गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑनलाइन क्लास ऑफ सत्यवती पब्लिक स्कूल एंड आई एम योर इंग्लिश टीचर। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द नेक्स्ट काइंड ऑफ प्रोनाउन, दैट इज अ पोजेसिव प्रोनाउन। आज हम पोजेसिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। प्रोनाउंस लाइक माइन, योर्स एंड हिज दैट शो पोजेशंस आर कॉल्ड पोजेसिव। वे प्रोनाउन जिसमें हम माइन, मेरा, योर्स, तुम्हारा, हिज, उसका, दैट शोज पोजेशन, और ये जो है पोजेशन यानी कि स्वामित्व यानी अधिकार होना या मालिक होना के उसके बारे में, किसी वस्तु या चीज़ के बारे में बताते हैं, आर कॉल्ड द पोजेसिव प्रोनाउन। इन्हें ही हम पोजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हेलो, यहाँ पर हमारे पोजेसिव दिए गए हैं, पोजेसिव प्रोनाउन दिए अलोंग साइड एंड पोजेसिव एडजेक्टिव दिए हैं। अब पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव को कंपेयर किया गया है। यहाँ पर देखिए, इसमें पोजेसिव एडजेक्टिव में हम हमारे क्या क्या होते हैं, देखिए माई, योर, हिज, हर, इट्स, आवर एंड देयर। वहीं पोजेसिव प्रोनाउन में माइन, योर्स, हिज, हर्स, आवर्स एंड देयर्स, इस तरह से हम इनको चेंज कर, इनको अलग अलग प्रोनाउन में यूज़ करते हैं। एडजेक्टिव में इस प्रकार से और पोजेसिव प्रोनाउन में इस प्रकार से। अब इसमें देखिए कुछ कंपैरिजन भी इनकी दिखाई गई है। यहाँ पर टेबल में आप देख रहे हैं पोजेसिव एडजेक्टिव एंड पोजेसिव प्रोनाउन। अब पोजेसिव एडजेक्टिव में किस प्रकार से हम वाक्य बनाते हैं, सेंटेंस देखिए, दिस इज़ माई बुक, यह मेरी किताब है, और दिस बुक इज़ माइन, यह किताब मेरी है। अब इज़ दैट योर बाइक, क्या वह तुम्हारी बाइक है। इज़ दैट बाइक योर्स, क्या वह बाइक तुम्हारी है। इसमें देख रहे हैं आप, यहाँ पर जो है हम प्रोनाउन, ये हमारा जो है प्रोनाउंस हम यूज़ कर रहे हैं पोजेसिव एडजेक्टिव में, वो नाउन से पहले यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पर हम प्रोनाउंस हमारे नाउन के बाद यूज़ हो रहे हैं। दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन पोजेसिव एडजेक्टिव एंड पोजेसिव प्रोनाउंस। अब दैट इज़ हर फ्लैट, वह उसका फ्लैट है। दैट इज़, दैट फ्लैट इज़ हर्स, देयर्स हैं, वह उसका फ्लैट है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, प्रोनाउन के बाद ही आपका प्रोनाउन जो है नाउन से पहले यूज़ किया गया है, और यहाँ पर आप पोजेसिव प्रोनाउन में प्रोनाउन नाउन के बाद यूज़ किए जाते हैं। अब पोजेसिव एडजेक्टिव कम बिफोर नाउन्स, ये देखिए क्लियर लिखा हुआ है, समझ रहे हैं ना आप। पोजेसिव एडजेक्टिव कम बिफोर नाउन, पोजेसिव एडजेक्टिव जो होते हैं वो नाउन से पहले आते हैं, एंड पोजेसिव प्रोनाउन आर यूज इंस्टेड ऑफ नाउन, और पोजेसिव प्रोनाउन जो है वो नाउन के स्थान पर यूज़ किए जाते हैं या उसके बाद यूज़ किए जाते हैं। अब आते हैं आपका डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउंस, दिस इज योर नेक्स्ट टॉपिक, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, प्रोनाउंस लाइक दिस, दैट, दिस एंड दोस दैट पॉइंट आउट पीपल और थिंग्स आर कॉल्ड डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउंस में आपके दिस, दैट, दिस एंड दोस, यह इस बात को इंगित करते हैं, पॉइंट आउट पीपल और थिंग्स, और ये किसी व्यक्ति या वस्तु को के बारे में बता रहे हैं, को दर्शाते हैं, उसे ही हम डोमेस्टिटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब देखिए इसमें नियर द स्पीकर, अगर स्पीकर बोलने वाले के पास है व्यक्ति, और सिंगुलर में है तो दिस का यूज होता है, प्लूरल में है तो दिस का यूज हो गया। और वहीं यहाँ पर देखिए फर्दर अवे फ्रॉम द स्पीकर, अगर स्पीकर से दूर है तो सिंगुलर में हम दैट का यूज़ करते हैं, और प्लूरल में दोस का यूज़ करते हैं। यही आप एग्जांपल यहाँ पर देख रहे हैं, दीज आर माई क्लोथ्स, ये जो पास में रखे हुए कपड़े हैं वह ये गर्ल बता रही है कि ये मेरे कपड़े हैं, एंड दोज आर हिज, और वे जो दूर रखे हैं वे उसके कपड़े हैं,
तो ये आपका इस प्रकार से डोमेस्टिटी प्रोनाउन है। अब इसमें देखते हैं, आप इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। देखिए, दिस इजेंट माई अम्ब्रेला, यह मेरा अम्ब्रेला नहीं है। इज दैट अ डव, क्या वह डव है, यानी कि डव एक पक्षी है, उसको उसके लिए पूछा गया है। अब यहाँ पर देखिए कुछ डिफरेंसेस हैं डोमेस्टिटिव प्रोनाउन और डोमेस्टिटिव एडजेक्टिव में। डोमेस्टिटिव प्रोनाउंस में आप देख रहे हैं, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। डोमेस्टिक प्रोनाउन और डोमेस्टिक एडजेक्टिव में नाउन से पहले एडजेक्टिव जो है हमेशा नाउन से पहले आता है। जैसे ये देखिए, डोमेस्टिक प्रोनाउंस में दिस इज माय पेन, दिस इज माय पेन, ये डोमेस्टिक प्रोनाउन है। अब वहीं डोमेस्टिक एडजेक्टिव में देख रहे हैं, दिस पेन इज माइन। अब इसमें प्रोनाउन जो है पेन से, एडजेक्टिव में पेन जो हमारा नाउन है उससे पहले आया है, और डोमेस्टिटिव प्रोनाउन में जो है हमारा जो है प्रोनाउन जो है वो स्टार्ट, वो जो है स्टार्ट में, स्टार्टिंग में हमने उसका सेंटेंस ही सब्जेक्ट के रूप में उसको यूज़ किया है। अब वहीं दोज आर हर ड्रेसेस, वे उसकी ड्रेसेस हैं, और दोज ड्रेसेस आर हर्स, वे ड्रेसेस उस हैं उसकी। दैट इज़ आवर हाउस, यह हमारा घर है। दैट हाउस इज आवर्स, सॉरी, वह उसका घर इज़ आवर हाउस, वह हमारा घर है। दैट हाउस इज़ आवर, वह घर हमारा है। अब दीज आर देयर टॉयज एंड दीज टॉयज आर देयर, इज दिस योर पेन, इज दिस पेन इज योर। अब दीज आर देयर टॉयज़,